चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल चुनावी महासंग्राम में शिद्दत के साथ लग गए हैं। आरएलडी की तैयारी किस तरीके से है लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में, इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय जी। सबसे पहले आपसे मेरा यही सवाल है सर कि आप लोगों की तैयारियां किस तरह से हैं, खासतौर पर अगर यूपी की बात करें। देखिए, हम लोग लोकसभा चुनाव की दृष्टि से एक साल पहले से तैयारी शुरू कर दिए थे और किसानों के मुद्दों को लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चूँकि आरएलडी की ज़्यादा पकड़ है, मजबूत पकड़ है, किसानों के बीच में काम करते रहते हैं, तो गन्ना मूल्य की बढ़ोतरी को लेकर के गांव-गांव समितियां बनाई गई, लोगों से हस्ताक्षर कराए गए और चुनाव की दृष्टि से भी हर बूथ पर अपने लोगों की कमेटी बनाई गई। अग्निवीर के मुद्दों को लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी ने बड़े पैमाने पर जगह जगह सम्मेलन किया था और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी अपना कार्य विस्तार बढ़ाने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम पहले से ही आयोजित करती आ रही है, जिसमें सामाजिक भाईचारा सम्मेलन हम लगभग 2 साल से करते आ रहे हैं और सामाजिक भाईचारे के माध्यम से गन्ना मूल्य किसानों की समस्याओं के समाधान करने के लिए और जो बड़े पैमाने पर पश्चिम में जो फौज में, सीआरपीएफ में, पुलिस में अग्निवीर के मुद्दे पर थोड़ी उनके अंदर नाराजगी थी, इन सब मुद्दों को लेकर के हमने काम किया, तो इसके कारण आरएलडी का तो प्रभाव बढ़ा है और बूथ लेवल तक बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या कुछ होता है जमीन पर, लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं एक बड़ा मुद्दा है किसानों को लेकर, जो अक्सर बीजेपी सरकार के साथ नाराजगी लंबे समय से बनी हुई है। इससे पहले की अगर बात करें तो आप लोग इंडिया गठबंधन के साथ थे, अब एनडीए में आ चुके हैं, लेकिन जो किसानों का मुद्दा है इसे आप देखिए, इसमें कोई दोराय नहीं है कि किसानों के प्रॉब्लम है, मुद्दे हैं, उनके उत्पादन का लाभकारी मूल्य नहीं मिल पाता है, ये सब मुद्दे हैं, लेकिन इन मुद्दों का समाधान सरकार की सहयोग से ही हो सकता है। सरकार को रचनात्मक पहल करने के लिए हम कोशिश करेंगे, हमारा दल कोशिश करेगा, हमारे नेता कोशिश करेंगे। सरकार में रहने से कुछ समस्याओं का समाधान ऐसे भी हो जाता है, तो उस दिशा में तो क्या आपको लगता है जिस तरीके से लोग ऐसा कयास लगा रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, क्योंकि आरएलडी का गढ़ माना जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, क्या आपको लगता है कि किसानों की नाराजगी का नुकसान हो सकता है? देखिए, किसानों की नाराजगी को हम दूर करने की कोशिश करेंगे, हम उनको उनके बीच में जा रहे हैं, उनको भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम सरकार के साथ आए हैं तो आप लोगों की समस्याओं का है। क्योंकि देखा जाए आरएलडी थोड़े दिन पहले जब इंडिया गठबंधन के साथ थी तो तमाम सारे मुद्दे थे, इसको लेकर अखिलेश यादव लगातार चौधरी पर निशाना भी साधते रहते हैं, ने एक बयान दिया था कि चमन्नी नहीं हूं कि पलट जाऊंगा, इस बात को लेकर अखिलेश यादव कहीं ना कहीं मंच पर इधर उधर बोलते रहते हैं। वो जब विपक्ष में रहता है आदमी तो विपक्ष में रहने के कारण विपक्ष की भाषा और दूसरे होते हैं, लेकिन जब भी आप जब सरकार के रास्ते पर हैं, सरकार के सहयोगी हैं, तो उसमें कुछ चीजों को आगे पीछे करना पड़ता है, 2 कदम पीछे हटना पड़ता है 4 कदम आगे बढ़ने के लिए, तो पार्टी की स्ट्रेटजी के अनुसार विपक्ष में निश्चित है कि जो विपक्ष में रहेगा उसकी भाषा कुछ दूसरी होगी, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो हम रचनात्मक और सरकार के साथ सामंजस्य बैठा करके काम करना चाहते हैं।
लोकसभा चुनाव में आरएलडी के वो कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर आप जनता के बीच हैं? देखिए, आज एक स्थिर सरकार का मामला है कि एक मजबूत सरकार देश के लिए जरूरी है, जो विकास के रास्ते पर देश को आगे बढ़ा सके। हमारे लिए सबसे बड़ा एक कहिए कि खतरा है, बार बार चाइना से हमारी बराबरी है। चाइना हमको आज चाइना के सामान भारत में छाए हुए हैं, लेकिन हम इस स्थिति को बदलना चाहते हैं। वह स्थिति तभी बदलेगी जब एक मजबूत एक अस्थाई सरकार देश में विकास और डेवलपमेंट के लिए, कुटीर उद्योग धंधों के लिए बढ़ावा देगी, तेज गति से काम करेगी। तो निश्चित रूप से सरकार, हमारी सरकार जो आज चाइना इतना डेवलप किया है, उसकी बराबरी कर सकती है। हम अपने पैरों पर खड़ा हो सकते हैं। इसके लिए आगामी दिनों में सरकार को ऐसी नीतियां बनानी पड़ेगी जो गांव में, किसानों में जो छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं, उनको पैर फैलाने का, उनको मजबूती दिलाने का काम करे। ऐसी योजनाओं को तैयार करना पड़ेगा। यूपी में बीजेपी का मिशन 80 है। अखिलेश यादव कहते हैं 80 हराओ देश बचाओ। आपको क्या लगता है कि एनडीए गठबंधन उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें पा सकती है? देखिए, अभी कोई भविष्यवाणी करना जो है वो तो सत्ता पक्ष भी कहता है, हम भी कहते हैं, सब लोग कहते हैं, हर आदमी अपने अपने पक्ष का दावा करता है। लेकिन मुझे लगता है कि एनडीए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली जो मोर्चा है, वो ज़्यादा 100% सीट तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम जितना पिछले बार थे उससे बेहतर प्रदर्शन करेंगे। पिछले बार 62 सीटें थी, 62 से ज़्यादा सीटें जीत करके उत्तर प्रदेश में एनडीए आएगा। एक आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या है कि उत्तर प्रदेश की जनता एनडीए गठबंधन पर भरोसा करे? देखिए, पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में अमन, चैन, शांति, कानून व्यवस्था बनाए रखने में सरकार सफल हुई है। उसके आधार पर हम कह सकते हैं, और बहुत सी चीज़ें हैं। देखिए, सबसे बड़ा काम तो जो सरकार ने जल नल योजना ले आया, वो गांव-गांव में उसका असर है। जो गरीबी रेखा से नीचे थे उनके भोजन का, उनके खाने का इंतजाम किया है, उसका असर रहेगा। अभी मुख्यमंत्री जी ने रोजगार के लिए कुछ योजनाओं की घोषणा किया है। सरकारी महकमों में बड़ी संख्या, भारी मात्रा में पद खाली हैं, उसको भरने का अभी उन्होंने अनाउंस किया है। तो इन सब चीज़ों से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों का एक झुकाव है, एक रुझान है। दूसरा मेरा ये कहना है कि कोई उत्तर प्रदेश में विकल्प नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी का सामना कर सके। न कोई लीडर है, न कोई नेतृत्व है, न कोई संगठन है जो जनता का भरोसा और विश्वास जीत सके। तो इसका लाभ बीजेपी को जरूर मिलेगा और मिल रहा है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप सुन रहे थे रामाशीष राय जी को, जिनका ये कहना है कि बीजेपी ने जिस तरीके से कामकाज उत्तर प्रदेश में किया है, इसके अलावा मोदी सरकार ने जो काम किया है, उसकी बदौलत इनको ये यकीन है कि जनता एक बार फिर से चुनेगी। हालांकि क्या कुछ होगा आने वाले समय में, चुनावी नतीजे तय करेंगे। ममता चतुर्वेदी, इंडिया पोस्ट न्यूज़ के लिए, लखनऊ।